नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सागर कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा देवरी में अचानक ही विभिन्न विभागों का दौरा किया गया, जिसमें सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाएं भी देखी। बुधवार को करीब 1 बजे अचानक विभिन्न विभागों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देवरी आजीविका मिशन प्रशिक्षण केंद्र, नव निर्माण भवन और पंचायतों का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं और कार्यों की समीक्षा कलेक्टर ने की। अस्पताल के निरीक्षण के बाद सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र आजीविका मिशन का निरीक्षण कर महिलाओं से प्रशिक्षण केंद्र में बन रहे मास्क और कपड़े आदि की जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं के बारे में जाना। कुसुम विहार कॉलोनी में नवनिर्माण भवन का निरीक्षण कर उसका निर्माण कार्य गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न विभागों में उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, सीएमएचओ, देवरी तहसीलदार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज हमने देवरी के अस्पताल में जो फीवर क्लिनिक चल रही है उसका निरीक्षण किया है। इस समय मौसमी बीमारी के कारण फीवर के काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना कोविड-19 के जांच के लिए भी हमने यहां पर फीवर क्लिनिक में व्यवस्था की है और एंटीजन किट यहां पर बीएमओ साहब को उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार से अब कोरोना की जाँच भी देवरी में सुविधा उपलब्ध हो गई है। फीवर क्लिनिक में जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आवश्यकता होगी तो उनके कोविड-19 की भी जांच की जा सकेगी और अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज या जिला मुख्यालय सागर में जो भी चिकित्सा की सुविधा, इलाज की सुविधा की गई है, वहाँ उनको भर्ती करके इलाज कराया जाएगा। इसके साथ ही हमने अस्पताल के जो दूसरे वार्ड्स हैं और उपचार की व्यवस्था देखी है और दिल्ली में काम ठीक हो रहा है, कुछ जगह सुधार की जरूरत है तो उनको हम लोग करेंगे।